हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप सभी के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो आप मुझे ऐसे देख रहे हो, मैं थोड़ा बीमार हूँ, थोड़ा नहीं चाहता हूँ। तो काफ़ी दिनों से मैं मेरी केयरलेस की वजह से आज मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफें सहना करना पड़ रहा है। वीडियो एंड तक देखना, आपको सब टोटल बात समझ आएगा क्या हुआ। और प्रॉब्लम्स कुछ और था और मेडिसिन कुछ और खाई जा रही थी, तो उसकी वजह से जो था रिएक्शन हो गया, तो रेड रेड मेरे शरीर पे हो गया, एलर्जी जैसा हो गया, लाल 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 आ गया। तो ये मेरे को नहीं पता था ये टाइफाइड की वजह से होता है। तो कोई और चीज़ खा रही थी तो हुआ था, टाइफाइड होया था, सेल कम हो गया था। और एक तीसरी चीज़ है, नहीं पता अभी मुझे, वो रिपोर्ट ही देखना पड़ेगा। बोला हुआ था तीन चीज़ें हैं, बस दो ही चीज़ याद है मुझे, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप सभी को मैं आगाह करना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने बेवकूफ़ी वाली हरकत की, यानी कि केयरलेस किया अपने शरीर को लेके, यानी कि बुखार आया है ऐसे करके मेडिकेशन खा लो, डोलो खा लो, ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं सोचना। बुखार आ जाएगा, नहीं कम हो रही है, फिर से आ रही है, तो ब्लड टेस्ट करवाओ। ब्लड टेस्ट करने के बाद जो प्रॉब्लम्स आपको दिखती है उसके लिए एडमिट हो जाओ, या डॉक्टर की सलाह की वजह से मेडिसिन स्टार्ट करो। मेरी तरीके से इधर उधर करने लगोगे तो क्या, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। अभी भी मुझे ना बुखार आई हुई है, इतनी सर दर्द हुई है। तो आज मेरे को, मैं ठीक नहीं हुई तो आज 5 दिन हो चुकी है, फिर भी थोड़ी सी भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। मेरे को लगा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और उसके बाद नहीं हो जाता, कल एडमिट होना पड़ेगा। भरी हुई है यार, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतनी ज़्यादा तकलीफ, इतनी ज़्यादा बीमारियाँ, कोई सुखी नहीं है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है हर किसी की लाइफ में, कुछ ना कुछ होती है, ठीक है। बीमारियाँ ज़्यादा हो रही है, ठीक नहीं हो रही है। ज़िंदगी में 2000 भी कभी ना आए, आएगा भी नहीं, ठीक है। तो गाइस, फाइनली मैं ठीक हो चुकी हूँ, काफ़ी ठीक हो चुकी हूँ। क्योंकि 2 दिन मैंने वो पहले वाले, थोड़ी देर पहले वीडियो में आपने देखा, वो है 2 दिन पहले की है, तो मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अभी 2 दिन बाद की है, तो चेहरे देख सकते हो कितने, थोड़ा सा फ्रेश है, एक्टिव है गाइस। तो काफ़ी मैं ठीक हो चुकी हूँ। तो आप सभी ने भी बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। पता है क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि बुखार बहुत आया था, मेडिसिन खा ली, उसके बाद ब्लड का टेस्ट करने में पता लगा कि, अच्छा मेरे को पता याद है, एक में ब्लड में इन्फेक्शन है, एक सेल गट था, एक टाइफाइड। तो टाइफाइड होने की वजह से मेरे को बस स्टार्ट था, ज़्यादा नहीं था। टाइफाइड स्टार्ट थोड़ी सी भी होगी ना तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी। उसकी वजह से टाइफाइड में क्या होता है कि अंदर जो ब्लड है ना, ब्लैक होने लग जाती है, और शरीर में लाल लाल निशाने भी आ सकती है। उसकी वजह से सेल कम होने की वजह से भी होती है, बुखार तेज आना, और 102 103 यहाँ तक बुखार आना मेरे को, 101 102 इतने तक मेरे को, 103 होने वाली थी। तब बाद क्या हुआ कि ब्लड में, जैसे तुम, मैं क्या किया, मैंने डॉक्टर की जो दवाई होती है, मेरी जो है ना बॉडी हैंडल नहीं कर पाती, तो मैंने होम्योपैथिक स्टार्ट की थी। होम्योपैथिक से मुझे सूट नहीं किया, ठीक है। तो उससे मुझे, मैं ठीक नहीं हुई। उसके बाद रिपोर्ट निकलने के बाद हमने फिर से डॉक्टर के पास गए, फिर एक डॉक्टर ने क्या बोला, बोलते कि डिप नहीं लगानी होती है, यानी कि ग्लूकोज चढ़वाने के बोलते, वो नहीं लगवाने, मेडिसिन खाने से बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ऐसे बोल दिया, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसे मेरे को भी ऐसे इंजेक्शन से डर ही लगती है ज़्यादातर, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ऐसे करके 2 दिन खाना, 2 दिन तक फिर मैंने मेडिसिन खाई, तो थोड़ी सी भी फर्क नहीं हो रही थी, इतनी दर्द, इतनी ज़्यादा, और बुखार तेज आता है, सर बहुत दर्द होता है, शरीर बहुत दर्द होती है गाइस, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होता है, बार बार बुखार आता है। सर तो मेडिसिन खाओगे सब भी सर दर्द कम नहीं होता है, इतनी ज़्यादा तेज होती है। तो उसके बाद मैंने सोचा अब मैंने डॉक्टर की बात भी नहीं सुनी, क्योंकि हर डॉक्टर जो भी होती है ना, वो क्या क्या गारंटी की सही सलाह देता है, सही मेडिसिन देता है, नहीं होता है। तो इसकी वजह से आपने सीधा, आपको भी हो या ये सब चीज़ों से टाइफाइड हो, परेशानी हुई, तो आपने भी सबसे पहले यही करना है, आपने एडमिट हो जाना है, सीधी सी बात है। एडमिट ना भी हो ना,
डीप डीप लगवा लो, ग्लूकोज चढ़वा लो, उस पर मेडिसिन डालते हैं तो सीधी वो नस पे जाती है, इंजेक्शन के जरिए वो सीधी नस पे जाती है, तो काम जो है जल्दी हो जाती है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके साथ, उसके खिलाफ फाइट करने के लिए मेडिसिन जल्दी से जल्दी वर्क करता है। तो आप सभी ने डिप लगाने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अंदर जाके ब्लड को साफ़ करता है, वो जो भी इन्फेक्शन है ब्लड में, इन्फेक्शन होने की वजह से होती है, इन्फेक्शन को ठीक होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना उसको ठीक करके जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हो, अपने रिकवर हो सकते हो आप सभी, ठीक है, ठीक हो सकते हो। तो ऐसे चक्करों में मत पड़ना, जैसे मैं भटकी ना इधर उधर भटकी, इसकी वजह से मैंने ना कितने दिनों से मैं तकलीफों से मैं झेल जूझ रही थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो गई थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अभी तो मैं खुश हूँ, आप देख सकते हो फेस, अरे फेस कितने कितने दिन बाद आराम मिली हुई है। पता है मेन बात होती है टाइफाइड, इतने डेंजर होती है कि इलाज ना मिली, इलाज अच्छे से नहीं किया तो जान जा सकती है, नस फट सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, नोथ से नस से भी अंदर से निकल सकती है, और अपने हार्ट से भी निकल सकती है, और जो भी होती है जो लीवर होती है वो सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत परेशानी होती है, जान चली जा सकती है इससे। तो बिल्कुल इग्नोर मत करना, केयरलेस मत करना इस चीज़ को, ज़्यादा से ध्यान रखना, लिक्विड चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पीनी होती है गाइस, और ऐसी जो भी सख्त चीज़ें बाहर की चीज़ नहीं पीनी होती, नारियल का पानी बहुत पीनी होती है, ध्यान रखना, क्योंकि बुखार आ गया और उतर ही नहीं रहा ना, एक दो बार में पता लगता है कि उतर ही नहीं रहा, शरीर बदन बहुत दर्द हो रही है, जाके टेस्ट करवा, ब्लड की टेस्ट करो, और जो जो प्रॉब्लम्स आती है दिखती है तभी तभी जाके ग्लूकोज चढ़ाओ, मेडिसिन ही खा के ठीक हो जाऊंगा ये मत सोचना। यदि आपको टाइफाइड की प्रॉब्लम है, सेल कम होगी तो डिप लगवाना बहुत ज़रूरी है, ग्लूकोज चढ़वा लो, उस पर मेडिसिन सीधी सीधी नस के अंदर से जाती है तो जल्दी से जल्दी वो ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांस होती है। तो गाइस इतने आज के लिए इतनी ही है, और भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं दशहरे की, तो अच्छे से दशहरा मनाना, मेरी तो नवरात्रि दशहरा ऐसे ही चला गया, तो आप सभी ने भी डेफिनेटली करना, हैप्पी खुशी साथ मनाना, कमेंट शेयर करना कैसे कैसे मना रहे हो। तो आप सभी को हैप्पी दशहरा, और सभी को जो भी होती है प्रॉब्लम्स है तो आप सभी को भी गॉड ब्लेस यू, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ आप सभी भी, कोई भी प्रॉब्लम्स हो मेडिसिन खा लो, सब कुछ करो, ठीक हो जाओ, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय। मैं थोड़ा खुश हूँ कि मैं काफ़ी ठीक हो चुकी हूँ, थैंक यू सो मच, बाय।